क्या है लंका पेट्रोल पंप पे आई है, ये अंकल बुक्स दे रहे हैं, फ्री बुक्स दे रहे हैं, इतनी बुक्स मेरे जरूरत की थी लिया, इसमें पे नहीं करना पड़ रहा है पहली बात, और ये लोग सपोर्ट की जरूरत है इनको, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आके आप फ्री में बुक्स ले जाइए, आपके पास एक्स्ट्रा बुक है वो दे दीजिए इनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हैप्पी चतुर्वेदी जी। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं रामनगर पी एन कॉलेज, रामनगर पी एन कॉलेज में है, और यहाँ पे पेट्रोल जैसे कि भराने के लिए आए थे, और मैं 11 तारीख से लेकर 17 तारीख कर रहा हूँ। इनको पुस्तकें अच्छी लगी, ये जो पुस्तकें हैं लोगों द्वारा जो डोनेट किया गया है, और जो डोनेट कर रहे हैं उन्हें हेलमेट दे रहे हैं, लेकिन इनको पुस्तक की नीड थी तो ये मैं पुस्तक इनको दे रहा हूँ, और इन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि बदले में हम पुस्तक लेकर के भी आएंगे। और उसी तरीके से हैप्पी चतुर्वेदी जी की तरफ से मैं और भी लोगों से अपील कर रहा हूँ, वाराणसी के अंदर मैंने जैसे कि बताया कि 2021 में 21 लाइब्रेरी डेवलप कर रहा हूँ, अगर जिस किसी को छठी क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक अगर पुस्तक की नीड है तो कृपया निःशुल्क लेकर के आ सकते हैं, जैसे ये हैप्पी चतुर्वेदी जी लेके जा रहे हैं। साथ में क्या प्रपोज जी, और सबसे बड़ी बात है कि हेलमेट लगा के जो वाराणसी के अंदर है ये बेल्ट नहीं बांधते हैं, लेकिन ऐसे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ग्रेजुएशन में, लेकिन हेलमेट लगाए भी हैं और ये पारे भी हैं, तो मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि जो हेलमेट आपको दे भी रहा हूँ, अगर जो है बेल्ट कल को नहीं बांधा है तो दुर्घटना पे ये निकलेगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप हेलमेट लगाएं तो बेल्ट जरूर बांधें, अन्यथा नहीं बांधते हैं वो हेलमेट टोपी एक कैप के बराबर होती है और दुर्घटना के बाद वो निकल जाती है, और लोग यही कहते हैं कि हेलमेट पाना था उसकी जान नहीं बच पाएगी। मेरा ही पर्पज है कि जो भारत में प्रति वर्ष जो 1.5 लाख मौत हो रही है उन रोज शक्ति प्रति लोग जागरूक हो सके, अगर हेलमेट लगाएंगे तो हजारों प्रति वर्ष जिंदगी बच सकती है। इसके दरमियान यहाँ पे 17 तारीख तक जनवरी तक कैंप चल रहा है, ताकि आप भी आकर के पुस्तक ले करके हेलमेट ले सकें। क्या आप भी पुस्तक लेके आए हैं? जी सर। अच्छा, आइए 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 आइए। क्या नाम है आपका? निश्चित। तो मैसेज आप बताएं आपको कैसे पता चला इसके बारे में? इसके बारे में न्यूज पेपर से पता चला, और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जनरली ऐसा लोग सोचते नहीं है, और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, करिए वन वे इनिशिएटिव है, इसमें कोई इनका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, ये वन वे इनिशिएटिव इसलिए कि बुक्स भी देना और बुक्स के लिए हेलमेट भी दे रहे हैं, बुक्स भी ये फ्री में ही बांट रहे हैं। ये देखिए वो सामने वो फ्री में लेके जा रहे हैं, हाँ, और विटनेस तो हमारे सामने ही है इसके, बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है आपका। और ये कौन सी स्कूल के आप? अच्छा अच्छा, कैसे पता चला आपको इस मॉडल के बारे में? हमारे अंकल आए थे यहाँ पे पेट्रोल में करवाने के लिए, उन्होंने बताया कि यहाँ पे बुक्स हैं तो जो भी अवेलेबल बुक है चलती है। अच्छा, तो आप अभी क्या लेके जा रहे हैं आपको? यहाँ से क्लास 12 की सीआरटी बुक्स लेके जा रहा हूँ। अच्छा, कौन सी स्कूल में आप पढ़ते हैं? शिवग्रह शिक्षक अकेडमी। शिवग्रह सर, और अभी आई कार्ड भी है आपके पास? हाँ, आई कार्ड है। ये क्या नाम बताया आपने? प्रिंस तिवारी। ये प्रिंस तिवारी जी हैं और एलवन कोचिंग में पढ़ते हैं, जो कि इनके अंकल हैं, शायद आए थे वो चीज़ें करने के लिए। तो जो हम 11 तारीख से लेकर जो 17 तारीख का जो मुहिम वो चीज़ें कर रहे हैं, इसमें मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, जिनके घर में जो बच्चे 6 क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक हैं वो निःशुल्क पुस्तकें लेके जा सकते हैं अपने लिए। तो ये जो पुस्तकें ये पुस्तक किस तरह के, आपको ये पुस्तक कहना है, क्या कहना चाहेंगे आपका पुस्तक से? मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको ये किताब जिन बच्चों को चाहिए वो आके यहाँ से लेके जाएं, और उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये बुक्स, और अगर मार्केट में लेना चाहें तो बहुत ही महंगी पड़ेगी, और जो जिनके पास जिनकी इकोनॉमिक नहीं चाहिए वो आके यहाँ से। बिल्कुल, और भविष्य में क्या मैसेज देना चाहेंगे? भविष्य में भी कि हम यही चाहेंगे इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए, हमें भी इस तरह कई मुहिम चलाना चाहिए जिससे जो बच्चे नहीं जिनके पास किताबें हो यहाँ पे आके मुफ्त में किताब लेके जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं और देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा, आपके अंकल जी कहाँ गए? आप जो पुस्तक लेके आए थे वो कहाँ है? आप लेकर जाइए। ये पुस्तक लेके आए हैं, 8 क्लास की पुस्तक लेकर के आए हैं, क्लास 9 तक की आपकी, और जो पढ़े हैं कैसे कलर हो गए हैं ये आप देख सकते हैं, और जो हमसे लेके जा रहे हैं कैसे हैं, तो कहने का मतलब मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि जो बुक बैग में बहुत अच्छी किताबें आपको मिलेंगी, क्योंकि हम खुद भी उसको फिल्टर करके देते हैं आपको, ताकि आप उसे पढ़ें, और फिर भी पढ़ने के बाद आप चाहें तो हमारे बुक बैग में वापस दे सकते हैं, या फिर आपके आस पड़ोस में कोई और बच्चा हो उसको जरूरतमंद को दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार इस अभियान के साथ बाकी 17 तारीख तक यही हूँ, आप चाहें तो पुस्तक ला करके भी आप अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लेके जा सकते हैं, और उन बच्चों को बताएं कि जिनको पुस्तक की नीड है 6 क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक पुस्तकें निःशुल्क ले सकते हैं। मैं हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार।